माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने एक सभा में कहा, उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन गया है। माननीय उपराष्ट्रपति जी को कौन बताए जो उत्तर प्रदेश के अंदर अभी भी बसे खटारा है, तमाम गरीबों को न्याय नहीं किए जा रहे हैं, प्रदेश के अंदर विकास के नाम पर क्या हो रहा है, अब कौन बताए माननीय उपराष्ट्रपति जी को उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की हालात क्या है, जरा एक नज़र उपराष्ट्रपति जी ज़रूर डालें। उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग का क्या हाल है, ज़रा एक नज़र ज़रूर डालें। खैर, ये तो वर्तमान सरकार है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश अपराध में भले ही उत्तम प्रदेश बन गया हो, या यूँ कह लीजिए अपराध मुक्त हो गया हो, लेकिन विकास के मामले में अभी भी पीछे रह गया है। उत्तर प्रदेश को विकास के नया संभालना चाहिए ताकि उत्तर प्रदेश एक बेहतर प्रदेश बन सके और अलग राज्यों में उत्तर प्रदेश की छवि ही अलग दिखाई दे। विकास में अव्वल हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश। अरे और खबरों के साथ प्रेस क्लब की खबरों में बने रहें। जय हिंद। देश और दुनिया में एक चिंता होती थी, देश का सबसे बड़ा प्रांत कहां जा रहा है। खबर में रहता था तो पीड़ा होती थी। ऐसा बदलाव आया कि अब जो कुछ सुनने को मिल रहा है, कानों में जो आता है, मन प्रफुल्लित होता है। सही मायने में विकास की गंगा इसी प्रदेश में बह रही है। ज्यादा जोर इसलिए देकर कह रहा हूं क्योंकि पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में हूं। शासन कहां था, अराजकता पराकाष्ठा पर थी। अब देखो क्या हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है। बिना ऐसी व्यवस्था के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। मुझे जानकारी है और मैंने प्राप्त भी की है, उत्तर प्रदेश में जो विकास की नींव फिलहाल पड़ रही है, उसका असर देश और विदेश में पड़ेगा।